जिस काम को जानते हैं और जिसमें आप निपुण हैं जिसे आप स्वयं कर सकते हैं आप बुद्धिमान हैं फिर भी परमेश्वर की सहायता मांगते हुए यह कहते हैं कि प्रभु मैं कितना निपुण क्यों ना हूं बुद्धिमान क्यों ना हूं या मैं कितना बड़ा योद्धा और शूरवीर क्यों ना हूं या कितना भी मैं ज्ञानवान क्यों ना हूं लेकिन अंत में आप ही मुझे विजय देने वाले परमेश्वर हैं इस तरह परमेश्वर से कहना बहुत आवश्यक है प्रिय यदि हम ध्यान से देखेंगे तो शमवेल की पहली पुस्तक में बहुत से स्थानों में दाऊद के विषय में क्या है जानते हैं योद्धा है इस तरह लिखा है योद्धा दाऊद पलस्तियों को बड़ी आसानी से हरा देता था पलस्तियों को हराना दाऊद के लिए बहुत आसान है फिर यहां क्यों लिखा है दाऊद पूछ रहा है परमेश्वर से पिता क्या मैं जाऊं मुझे जय दोगे क्या पूछने का कारण क्या है दाऊद अपने ज्ञान और बुद्धिमानी पर अपने ताकत पर अपनी तलवार पर भरोसा नहीं रख रहा है पर उसका भरोसा किस पर है परमेश्वर पर इसीलिए परमेश्वर से पूछ रहा है प्रिय भाइयों और बहनों हर दिन हम जो साधारण काम करते हैं उनके विषय में भी परमेश्वर की सलाह लेना आवश्यक है इसे हमें दाउद के द्वारा सीखना है प्रभु मैं जाऊं क्या जाओ मैं विजय दूंगा विजय दिया उसके बाद एक समस्या आ गई लोगों में भय छा गया भय छा जाने से फिर से परमेश्वर के पास आकर पिता मेरे आसपास के लोग बहुत भयभीत हैं आपका उत्तर क्या है तुम हिम्मत से रहो फिर से प्रार्थना किया परमेश्वर उसे हिम्मत दिया उसके बाद विजय पाकर जब वे आनंद कर रहे थे शौल अपनी सेना के साथ दाऊद से युद्ध करने आ रहा है ये समाचार उसे मिला दोबारा परमेश्वर के पास आकर शाउल मुझसे युद्ध करने आ रहा है अगर मैं यहीं रहूंगा तो क्या ये लोग मुझे पकड़कर शाउल को सौंप देंगे हाँ सौंप देंगे शाउल मुझे पकड़ लेगा हा पकड़ लेगा इसीलिए दाऊद समझ गया कि मुझे यहां से भाग जाना है प्रियो इसलिए दाऊद क्या किया परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि यदि तुम यहां रहोगे तो क्या होगा इसीलिए दाऊद शौल के उत्पन्न करने वाले खतरों से बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया प्रियो हम जहाँ रहते हैं वहां कैसे खतरे हैं हम नहीं जानते नौकरी करने के स्थान में आपके चारों ओर कैसा खतरा छाया है आप नहीं जानते आप जहां रहते हैं आपके चारों ओर कैसे खतरे छाए आप नहीं जानते यात्रा करते समय उस वाहन के चारों ओर कैसे खतरे छाए हुए हैं नहीं पता लेकिन प्रार्थना करने से क्या होता है जानते हैं उस खतरे से परमेश्वर क्या करेंगे बचाएंगे प्रिय एक दिन हमारे मीडिया टीम के भाई सब मिलकर सेवाकाई के लिए जा रहे थे कैमरा और बहुत से मीडिया से संबंधित सामान वैन में रख लिए यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे उसी समय मैं वहां से चलकर आ रहा था आते हुए मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं इस तरह उन्होंने कहा हम नंबूर जा रहे हैं सारी मीडिया टीम जा रही है उन्होंने बताया सामान्यतः हमारे सेवाकाई का नियम यह है कि कभी भी कोई भी सेवाकाई के लिए निकलते हैं तो निश्चय है, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करने के बाद ही जाते हैं अगर मैं उस समय रहा तो मैं स्वयं प्रार्थना करके उन्हें भेजता हूं उस दिन वे लोग यात्रा में जा रहे थे इसलिए उनके पास जाकर आइए सबके लिए प्रार्थना करूंगा कह के प्रार्थना करके भेजा कुछ घंटों के बाद मुझे समाचार मिला कि उनका मेजर एक्सीडेंट हो गया लेकिन विचित्र बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक छोटा खरोज भी नहीं आया प्रियो अद्भुत रूप से परमेश्वर उन सारे भाइयों की उस भयानक दुर्घटना से रक्षा किया प्रार्थना क्या करती है कि शैतान जिन खतरों को उत्पन्न करता है उनसे हमें क्या करती है बचाती है प्रिय इसलिए हमेशा मैं कहता हूं मेरे लिए आप सभी प्रार्थना करें मैं प्रार्थना नहीं करता हूं क्या करता हूं मेरे टीम के लोग प्रार्थना नहीं करते हैं करते हैं लेकिन कलिसिया के रूप में आप सब मिलकर प्रार्थना करना ये बड़े हिम्मत को और वैसे ही बड़े सुरक्षा को और रक्षा को प्रदान करता है प्रार्थना के साथ आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करें प्रिय दाऊद फिर से आने वाले खतरे के विषय में कह रहा है पिता मेरी परिस्थिति क्या है मैं यहां हूं क्या ये लोग शौल से डर कर मुझे सौंप देंगे हाँ सौंप देंगे शौल आकर मुझे पकड़ लेगा क्या निश्चय पकड़ लेगा तो फिर मैं अभी क्या करूं बचकर भाग जाओ वहां से दाऊद बचकर भाग गया प्रिय दाऊद युद्ध में विजय पाने के लिए प्रार्थना किया और आने वाले खतरों के लिए भी प्रार्थना किया इसलिए हमारे चारों ओर हमारे जाने बिना ही जो खतरे छाए रहते हैं उन्हें हम नहीं जानते इसलिए प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं कि हमें उन खतरों से बचाते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो शमेल की पहली पुस्तक तेईसवें अध्याय में दाऊद तीन बार परमेश्वर से पूछा हम में बहुत से लोग बार बार पाप करने वाले हैं लेकिन दाऊद बार बार प्रार्थना किया शौल को आप देखिए वो बार बार पाप किया दाऊद को आप देखिए बार बार प्रार्थना किया शुल बार बार पाप करने के कारण वो अपने सिंहासन को खो दिया लेकिन बार बार प्रार्थना करने वाला दाऊद उस सिंहासन को पा सका आज हमारे बीच दो प्रकार के झुंड हैं। पहला बार बार पाप करने वालों का झुंड यदि आप पाप करने वाले हैं तो जो आपके पास है उसे आप खो देंगे अपने स्वास्थ्य को खो देंगे अपनी आत्मिकता को खो देंगे अपने आनंद को खो देंगे और उतना ही नहीं नौकरी में समस्याओं को मोल लेंगे गवाही को बिगाड़ लेंगे सेवाकाई में आपको उपयोगी पात्र बनना था दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे परमेश्वर को दुख देने वाले होंगे आपके चारों ओर के लोगों को दुख देने वाले होंगे शाउल बार बार पाप किया प्रतिफल क्या हुआ अपने उत्तम पदवी को वो खो दिया लेकिन दाऊद बार बार प्रार्थना किया प्रतिफल क्या हुआ वो भेड़ों का चरवाहा था परमेश्वर उसे राजा बनाकर ऊंचा किया आज हमें किस मार्ग में चलना है शौल के मार्ग में चलकर पाप करते हुए पतित मार्ग में चलना है कहेंगे या फिर दाऊद के समान बार बार प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के देने वाले विजय को पाते हुए उत्तम स्थिति में पहुंचेंगे क्या कहेंगे प्रियो दाऊद के मार्ग को चुन लेना भला है दाऊद बार बार प्रार्थना करने वाला था इस तरह बार बार प्रार्थना करने का मन परमेश्वर मुझे और हम सबको देने से हमारे जीवन और भी आशीषदायक होंगे मैं विश्वास करता हूं आइए समेल की पहली पुस्तक तीसवा अध्याय तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलक पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलक पर चढ़ाई की और सिगलक को मार के फोक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही आत्मिक जीवन में कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है आत्मिक जीवन में सीजन बदलते रहते हैं कृपया उस बात को ना भूलें और हम देखते हैं वातावरण में भी ऋतु होते हैं ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु वर्षा ऋतु आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वृक्षों को देखिए एक ऋतु में पूरी तरह से सूख जाते हैं वृक्ष में बिल्कुल पत्ते भी दिखाई नहीं देते हैं कलियां दिखाई नहीं देते हैं फूल दिखाई नहीं देते पत्ते दिखाई नहीं देते हैं पूरा सूखा हुआ दिखाई देता है इस तरह सूखे हुए वृक्ष के पास जाकर आप पूछिए वृक्ष तुम इस तरह क्यों मर गए हो पिछली बार जब मैं तुम्हारे पास आया तुम में बहुत से फल लगे थे तुम्हारे हर एक डाली में मैंने फलों को देखा तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ था बहुत आनंदित हुआ था लेकिन इस ऋतु में आकर देखने से क्या बात है सारी डालियां सूख गई हैं पत्ते सारे झड़ गए फल सारे झड़ गए इस तरह क्यों सूख गए हो इस तरह क्यों मर गए हो प्रियो आप जाकर उस वृक्ष से पूछिए वो वृक्ष आपसे क्या कहेगा जानते हैं मैं मर गया हूं क्या किसने कहा तुमसे मैं बिल्कुल मरा नहीं हूं लेकिन सूख गए हो ना यस सूख गया हूं अब तुम्हारे जीवन में कोई अच्छी स्थिति आने का चांस नहीं है ना किसने कहा तुमसे चांस नहीं है हाँ चांस नहीं है तुम सोच रहे हो शायद तीन महीने के बाद फिर से आना क्यों क्या होगा आकर देखो क्या होगा ठीक है आऊंगा तुम्हारा हाल देखूंगा ये कहकर दो तीन महीने के बाद वो व्यक्ति लौट कर आया परमेश्वर वर्षा को दिया उस वर्षा से क्या हुआ जानते हैं वो वृक्ष जो बिल्कुल सूखा हुआ था अब वो हरा भरा हो गया आज हम में किसी का जीवन ऐसा है क्या सूखा हुआ पिछले इसी वर्ष में इसी समय में मेरा जीवन बहुत अच्छा था मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी मेरा व्यापार बहुत अच्छा था लेकिन अचानक अचानक नौकरी चली गई पिछले वर्ष इसी समय मैं जीवन में बहुत खुश था मेरा परिवार बहुत अच्छा था पूरा परिवार खुश था लेकिन वर्ष बीतता गया वही महीना फिर आ गया आज मेरी पत्नी मुझसे दूर है आज मेरे घर में मेरा पति नहीं है मुझसे बहुत ही प्रेम करने वाले बच्चे मुझसे दूर हो गए जो मेरे सहारा थे वे मुझसे दूर हो गए आर्थिक रूप से मैं कभी परेशान नहीं हुआ बहुत परेशानियों में गुजर रहा हूं पिछले वर्ष इस समय अच्छा था लेकिन इस वर्ष पूरी रीति से सब कुछ बर्बाद हो गया इस तरह कहने की स्थिति में सांप में से कोई गुजर रहे हैं क्या उस वृक्ष ने कहा दो तीन महीने के बाद आओ क्यों क्या होगा आकर तो देखो ठीक है आऊंगा दो तीन महीने के बाद आने से वर्षा को देने वाला परमेश्वर वर्षा को दिया सूखे जीवन को हरा भरा करने वाला परमेश्वर उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया आइए हम एक वचन को देखेंगे अयुब की पुस्तक चौदह अध्याय सात वचन से वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काठ डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठोंट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी शाखाएं फूटेंगी वो काट डाला जाए फिर भी वर्षा का गंध पाते ही वो क्या करता है फिर से पनपने लगता है फिर से डालियां निकलती हैं फिर से फल लगता है आज हमारे बीच कोई है क्या शैतान के किसी परीक्षा के द्वारा जो काटे गए हैं आत्मिक रूप से मैं काट दिया गया हूँ आर्थिक रूप से मैं काट दिया गया हूँ मानसिक रूप से मैं काट दिया गया हूं पारिवारिक रूप से, मैं, से, मैं, से मैं, मैं मेरे परिवार से काटकर अलग कर दिया गया हूं इस तरह कहने की स्थिति में कोई है क्या कृपया सुनिए दाऊद एक प्रांत के ऊपर युद्ध करने को गया जब लौट कर आया तो उसका परिवार उससे दूर हो गया उसके बच्चे उससे दूर हो गए उसके जाते समय पत्नी और बच्चे थे जाते समय उनके पास सब कुछ था उनके घर थे उनकी पत्नियां और बच्चे भी थे उनका परिवार भी था जिनके पास सब कुछ था ये लोग जाकर लौटे तब तक सब कुछ खो दिए सब कुछ बदल गया दाऊद कैसे रोया बाइबल में है अब रोने के लिए उसके पास ताकत नहीं थी इतना वो रोया कई बार कुछ लोग रोते हैं लेकिन उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते रोते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते कारण जानते हैं वे कहते हैं कि हमारे आंसू भी सूख चुके हैं रोने से भी अब आंसू नहीं निकल रहे हैं क्योंकि अब आंसू भी नहीं रहे गर्मियों के दिनों में यदि आप देखेंगे तो क्या करते हैं कुएं के पानी को निकालते रहते हैं निकालते रहते निकालते रहते हैं निकालने के बाद धीरे धीरे वो कुआं क्या होता है सूख जाता है आज हमारे बीच कोई है क्या मुझ में रोने की भी ताकत नहीं है मेरे आंसू सूख चुके हैं मेरे लोग मुझसे दूर हो गए प्रियो दाऊद के जीवन में बिल्कुल यही हुआ था दाऊद के जीवन में यह हुआ था उसकी कोई गलती नहीं थी उसकी कोई भागीदारी नहीं थी उसने कोई भूल नहीं किया फिर भी वो और उसके साथ के लोग सिगलक नाम के प्रांत को जाकर लौटते तक उसके पत्नी और बच्चों को शत्रु आकर ले गया आज अगर आपके पति को आपके पत्नी को आपके बच्चों को शैतान जो शत्रु है शायद आपसे दूर ले गया होगा आप उन्हें देख ना सको आपसे दूर कर दिया हो तो क्या करना है प्रियो दाऊद एक और अपने पत्नी और बच्चों को खोकर रो रहा था उसके साथ के लोग भी रो रहे थे दाऊद के पास अब ताकत नहीं थी रोने के लिए ऐसे समय में एक व्यक्ति बुरे सोच के साथ लोगों को उकसाया हम सब दाऊद के साथ गए हैं इसलिए हम अपनी पत्नियों और बच्चों को खोए हैं इसलिए अब हम दाऊद को जीवित नहीं रखेंगे सोचकर दाऊद को मारने की वे कोशिश किए एक और दाऊद ही व्याकुल था दुखी था देखेंगे आइए क्या हुआ वहां इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरेली आहिनोहम और करमेली नाबाल की स्त्री अभी बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाओ बांधा शत्रु आकर पत्नी और बच्चों को दूर कर दिया ये शैतान का आक्रमण है कृपया ध्यान से सुने मित्रों शैतान जब हम पर आक्रमण करता है दो तरह से वो आक्रमण करता है पहला बाहर वालों के द्वारा हम पर आक्रमण करता है और दूसरा हमारे ही लोगों के द्वारा हम पर हमला करता है अभी मेरा प्रश्न ये है कि जो दूर है वो व्यक्ति तलवार आप पर फेंक कर मारना आसान है कहेंगे या जो निकट है चाकू निकालकर भोंकना मारना आसान है आप बताइए किसे आप आसान कहेंगे जो निकट है उसे ही आसानी होगी शैतान क्या करता है कि आपके ऊपर हमला करने के लिए आत्मिक रूप से आपको घायल करने के लिए सेवा में आपको घायल करने के लिए सेवाकाई को बर्बाद करने के लिए आपके आनंद शांति और संतोष को आप अनुभव ना कर पाओ शैतान क्या करता है जानते हैं पहले आपके घर के बाहर के लोगों को इस्तेमाल करता है उनके द्वारा आपके जीवन में आत्मिक रूप से या आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है उसके बाद क्या करता है जानते हैं जो आपके साथ रहते हैं उन्हीं के द्वारा आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है इस बात को कभी ना भूलें जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हीं के द्वारा जिन पर आप भरोसा किए उन्हीं के द्वारा ये मेरे लोग हैं इस तरह जिनके विषय में आप सोचते हैं उनके द्वारा ही शैतान आपके ऊपर हमला करता है प्रियो यीशु मसीह अपने बारह चेलों को चुने यीशु मसीह को बेचने के लिए शैतान किसका उपयोग किया जानते हैं यीशु मसीह ने जिसे चुना इस करोती को ही उपयोग किया उसने तीस चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया कितने दुख की बात है प्रियो यूसुफ को कौन बेचा था बताइए शत्रु बेचे नहीं प्रियो उसके स्वयं के भाइयों ने ही उसे बेचा हाबिल को कौन मारा बताइए उसका स्वयं का भाई दाउद को मारने के लिए दाऊद का पीछा कौन किया गोलियत नहीं प्रियो कौन है बताइए दाऊद का स्वयं का ससुर ही इससे क्या पता चलता है आत्मिक जीवन में शैतान घर के बाहर के लोगों को इस्तेमाल करता है आप पर हमला करने के लिए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और उतना ही नहीं घर के लोगों को भी उपयोग करता है इस प्रक्रिया में आपके छोटे भाई को बड़े भाई को बड़ी बहन को छोटी बहन को उपयोग कर सकता है अपना सब कुछ खो दिया बच्चों को खो दिया अपनी सारी संपत्ति खो दिया अपना सब कुछ खो दिया अपना स्वास्थ्य भी खो दिया उसके सारे शरीर में फोड़े हो गए उस दुख को सहना पाकर राख में बैठकर डीकरा लेकर उससे अपने शरीर को जब खुजल रहा था पत्नी को आकर क्या कहना था सुनिए जी हिम्मत रखिए तुम्हारा परमेश्वर विश्वास योग्य है पता नहीं क्यों ये दुख तुम्हारे जीवन में आया है तुम धर्मी और खरे व्यक्ति हो शत्रु का भी तुमने कभी हानि नहीं किया तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम किए लेकिन तुम जैसे कि जीवन में ऐसा कष्ट आना दुख की बात है हिम्मत से रहो ये समस्या जैसे आई है वैसे ही एक दिन चली जाएगी हिम्मत से रहो ये कहकर शांति देने के बदले पत्नी ने क्या कहा जानते हैं क्या तुम अपनी खराई को नहीं छोड़ोगे तुम उस परमेश्वर की निंदा करो क्या बोली मरना पड़े तो मर जाओ मर जाओ अयुब कहता है मेरी सांस से भी मेरी स्त्री को घृणित लगने लगी अर्थ जानते मेरा जीना मेरी पत्नी को भी पसंद नहीं है कितनी बुरी बात है प्रियो दोनों तरफ से अयुब के ऊपर आक्रमण किया गया बाहर के लोगों के द्वारा घृणित किया गया दुख दिया गया और सताया गया जिस पत्नी को उसके साथ रहना था उसका सहारा बनना था वाकर आकर कह रही है मर जाओ क्यों जिंदा हो तुम्हारी सूरत मैं देखना नहीं चाहती तुम मरने से अच्छा है एक धर्मी व्यक्ति से इस तरह कहा जा रहा था इसका कारण जानते हैं यह शैतान के द्वारा किया जाने वाला हमला था जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं वे यदि कुछ कह दें तो आप सह नहीं पाएंगे आपकी बुराई करने वाले कुछ कहेंगे तो आप ध्यान नहीं देंगे कारण क्या है कि आपको उनसे कोई मतलब नहीं है लेकिन जब जिनसे आप प्रेम करते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं जिनकी आपने सहायता की यदि वे लोग आपके विषय में कुछ कहने से या आपकी निंदा करने से या आपकी आलोचना करने से सहज रूप से आप सह नहीं पाएंगे कृपया सुनिए शैतान का उद्देश्य क्या है कि किसी भी तरह आपके दिल को तोड़ना है किसी भी तरह आपको मानसिक रूप से परेशान करना है किसी भी तरह आपको निराश करना है आपके जीवन से ही आपको नफरत दिलाना है यह शैतान की बुरी युक्ति है क्योंकि वो प्रारंभ से ही चोर है हत्यारा है लुटेरा है उसका काम क्या है जानते हैं घात करना आपका परिवार शांति और आनंद से रहने से उस खुशी को लूटने की कोशिश करता है आप अच्छे से नौकरी करते रहने से उस नौकरी को आपसे लूटने की कोशिश करता है आप आत्मिक रूप से उद्धार पाकर उद्धार में जी रहे हैं उद्धार के आनंद में आगे बढ़ रहे हैं तो किसी भी तरह उस उद्धार के आनंद को आप अनुभव ना करो किसी भी तरह से आपको दूर करता है प्रारंभ से उसका यही काम है आज हमारे बीच कोई है क्या मेरे आनंद को शैतान लूट लिया है मेरे जीवन की शांति को शैतान छीन लिया है मेरे बच्चों के साथ मेरा जो मेल मिलाप था उसे शैतान लूट लिया है, बच्चे विरोध कर रहे हैं मैं और मेरी पत्नी मैं और मेरा पति बहुत अच्छे से रहते थे लेकिन हमारे बीच के प्रेम को शैतान लूट लिया है बिना रहम किए हम लड़ रहे हैं बिना रहम के हम मारपीट कर रहे हैं इसका कोई कारण है क्या कोई कारण नहीं है तो खुश रहते हैं क्या खुश नहीं रह पाते हैं कारण क्या है कि शैतान लूट कर ले गया है कि कोई आज इस तरह कहने वाले प्रियो दाऊद का परिवार बेरहमी से दाऊद से दूर कर दिया गया ऐसी परिस्थिति में दाऊद को क्या करना है दाऊद एक बात जानता है वो क्या है लड़ाई में जीत पाने के लिए प्रार्थना करना जानता है क में बैठे हुए खतरे के लिए प्रार्थना करना जानता है खोए हुए परिवार को वापस पाने के लिए प्रार्थना करना दाऊद जानता है महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता युद्ध में विजय पाने के लिए प्रार्थना किया दाऊद आने वाले खतरों के लिए प्रार्थना किया दाऊद खोए हुए परिवार के लिए प्रार्थना किया दाऊद पिता आप कितने अद्भुत परमेश्वर हैं जब जब दाऊद आपसे प्रार्थना किया हर बार आप उत्तर दिए आपके समान उत्तर देने वाला जगत का उद्धार करता और कौन है पिता हम जो आप पर विश्वास किए हैं आप हमें यूं ही नहीं छोड़ेंगे अकेले कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे पिता जितने लोग क्या खोकर आपकी सहायता को मांग रहे हैं उसे उन्हें दीजिए पिता शायद आत्मिकता को खोए होंगे शांति और आनंद को खोए होंगे अपने स्वास्थ्य को खोए होंगे आर्थिक संपन्नता को शायद खोए होंगे परिवार को खोए होंगे कलिसिया को खोए होंगे गवाही को खोए होंगे पिता जिसे खोए हैं उसके विषय में आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं पिता अनुग्रहित कीजिए आशा से बढ़कर हमारे मांगने से बढ़कर समझ से परे हमें देने वाले अद्भुत परमेश्वर है आप पिता आपकी स्तुति हो विश्वास के साथ जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता उनकी प्रार्थना को सुनकर आपके नाम की महिमा के लिए उत्तम उत्तर को दीजिए पिता हमारे समझ से परे उत्तम आशीष को प्रदान कीजिए पिता इस तरह करने के लिए आप सक्षम है पिता हमारी योग्यता के कारण नहीं पिता हमारी आत्मिकता के कारण नहीं पिता आपकी भलाई के कारण आपकी महानता के कारण आपके उदारता के, के कारण आपके दया के कारण हम सबके जीवन में समृद्धि के साथ हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमारे परिवार के लिए और हमारे आर्थिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक आशीषों को आप अनुग्रहित करके आपके नाम की महिमा लीजिए ईशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन प्रिय मित्रों यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए मैं चाहता हूं फिर मिलेंगे तब तक के लिए शलोम